फाइनली Redmi K50 गेमिंग एडिशन फोन लॉन्च हो चुका है। फास्ट रिफ्रेश रेट, OLED डिस्प्ले, पॉपअप गेमिंग ट्रिगर बटन, सुपर इन डिजाइन, 4 स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, 2022 स्नैपड्रैगन फ्लेक्सिप प्रोसेसर, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Redmi K50 गेमिंग एडिशन का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं, जो कल ही लॉन्च हुआ है। और ये वीडियो मेरे फ्रेंड ने चाइना शेयर किया है ताकि मैं लेटेस्ट जो अपडेट सबसे पहले आपको दे सकूं। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। और ये है फोन का बड़ा सा बॉक्स। बॉक्स के सेंटर में कार्बन फाइबर जैसी पैटर्न देखने को मिल जाती है। बॉक्स के टॉप में फोन का बड़ा सा ब्रांडिंग मिल जाता है और साइड में फ्लैश की साइन दी गई है जो आगे फोन में देखने को मिलेगी। फोन यहाँ पे ब्लू कलर में मिल जाता है। बॉक्स कॉन्टेंट देखे तो ट्रांसपेरेंट केस, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर टूल, 120 वाट पावर ब्रिक, टाइप सी टू ए केबल और केबल की साइज 1.5 मीटर की मिल जाती है। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं Redmi K50 गेमिंग एडिशन के डिजाइन और बिल्ड की। लेकिन उससे पहले दोस्तों लेटेस्ट फोन की अनबॉक्सिंग सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑसम अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं फोन की डिजाइन की। तो सबसे पहले यहाँ पे फोन ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक ब्लैक कलर और सिल्वर कलर भी आता है और एक AMG वर्जन भी आता है फोन में, जिसका मैं अनबॉक्सिंग 2-3 दिन में ही अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। इस पर कंपनी फोन का बैक स्पोर्ट्स कार डिजाइन से इंस्पायर्ड है। फोन की फ्रेम इस बार फ्लैट मिल जाती है और बैक भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिया गया है। बैक की एजी स्लाइटली कर्व्ड देखने को मिल जाती है। फोन का बैक मैट फिनिश मिल जाता है और ये ग्लास बैक है, लेकिन कौन सा ग्लास कंपनी ने यूज़ किया है वो मेंशन नहीं किया है। और मैट फिनिश बैक है तो फिंगरप्रिंट के साइन भी देखने को नहीं मिलेंगे और फोन स्लीपरी भी नहीं होगा, यानी लंबे टाइम गेमिंग करने के बाद भी फोन हाथ में से फिसलेगा नहीं। और फोन की इन हैंड फील भी काफी अच्छी मिल जाएगी, होल्ड करना भी काफी आसान होगा क्योंकि स्लाइटली कर्व्ड है। बॉटम में फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है और टॉप लेफ्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया और कैमरा के सैंपल्स वीडियो में आगे बताने वाला हूँ डिटेल में। यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल की फ्रेम मेटल की दी गई है और इसकी एजी CNC कटिंग से बनी है। मॉड्यूल के राइट में सेपरेट LED फ्लैश देखने को मिल जाती है और कैमरा मॉड्यूल में एक सेट RGB ब्रीथिंग लाइट मिल जाती है जो फोन को गेमिंग लुक देती है। और RGB लाइट है तो डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे। ओवरऑल फोन की डिजाइन कैसी लगी? डिजाइन को आउट ऑफ 10 आप कितने पॉइंट्स देंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। फोन की फ्रेम भी एल्यूमिनियम से बनी है और यहाँ पे गेमिंग के लिए मैग्नेटिक पॉपअप शोल्डर बटन्स भी मिल जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। और फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे साइड माउंटेड मिल जाता है, यहाँ पे इन डिस्प्ले नहीं मिलेगा। फोन के टॉप में IR ब्लास्टर, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन मिक और 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये 2 स्पीकर्स लगे हैं और बॉटम में प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, वो भी 2। यानी फोन में टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं और यहाँ पे JBL का ब्रांडिंग भी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे साउंड JBL ने ट्यून्ड किया है। और दोस्तों पहली बार यहाँ पे बेस और ट्विटर अलग दिया गया है, यानी जो ऊपर भी 2 स्पीकर जो एक शेप में दिए गए हैं वहाँ पे एक ट्विटर है और एक बेस दिया गया है, और नीचे भी सेम ही दिया है, यानी फोन में टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं। तो साउंड तो बहुत ही ढांसू मिलने वाला है और फोन में साउंड डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे फोन में ड्यूल सिम ट्रे दी गई, यहाँ पे कोई SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। और सिम ट्रे में जो रेड कलर का रबर जैसा दिख रहा है और वाटर रेपिलेंट के लिए दिया गया है। फोन की थिकनेस करीब 8.5 mm की मिल जाती है और वेट करीब 210 ग्राम का है। स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर गेमिंग फोन का वेट ज्यादा ही होता है। ओवरऑल फोन की डिजाइन में गेमिंग फोन की फील मिल जाती है। अब बात करते हैं K50 गेमिंग एडिशन के डिस्प्ले की। फोन में 6.67 इंच की सेंट्रल पंच होल वाली OLED डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले देखे तो चीन और बेजल्स यूनिफॉर्म मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ज़्यादा मिलेगा। फोन में रिजोल्यूशन फुल HD प्लस का मिल जाता है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ की फास्ट मिल जाती है, यानी एनिमेशन काफ़ी स्मूथ मिल जाएगा। और दोस्तों टच सैम्पलिंग रेट 480 हर्ट्ज़ का मिल जाता है, यानी गेमिंग में रिस्पॉन्स काफी क्विक मिलेगा। और 1920 हर्ट्ज का हाई फ्रिक्वेंसी PWM डीमिंग फीचर भी मिल जाता है। साथ में आई प्रोटेक्शन मोड भी दिया गया है। फोन के डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन लगा है और इस डिस्प्ले को डिस्प्ले मेट ने A+ रेटिंग दिया है, यानी डिस्प्ले तो सुपर मिलने वाली है। यहाँ पे एक अच्छी बात है, फोन के बॉक्स में ही पावर एडाप्टर मिल जाता है। अच्छा है Redmi वाले एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की अभी नहीं सोच रहे हैं, यूजर के पैसे को ही प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि फोन में पावर एडाप्टर नहीं देते तो अलग से लेना पड़ेगा, जो 2-3 हज़ार का कम से कम पड़ेगा।
तो साथ में देते हैं तो ये एक अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पे टाइप सी टू ए केबल मिल जाता है जो 1.5 मीटर का मिल जाता है। और यहाँ पे टाइप सी के आउटपुट की डिजाइन भी काफी अच्छी है, गेमिंग के टाइम चार्जिंग करते हैं तो भी गेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। फोन में बैटरी मिल जाती है 4700 mAh की। इस पर द कंपनी 120 वाट के पावर एडेप्टर से बैटरी को 0 to 100% 17 मिनट में ही चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी चार्जिंग में ड्यू चार्ज पंप का यूज हुआ है। आप यहां पे देख ही सकते हैं, यहां पे अभी आउटपुट 100 वेट की मिल जाती है। लेकिन सवाल यह है, एक्सट्रीमली फास्ट चार्जिंग से बैटरी डैमेज होती है या नहीं? आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं Redmi K50 गेमिंग एडिशन के परफॉर्मेंस की। फोन में नेक्स्ट जनरेशन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर मिल जाता है जो सैमसंग की 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। साथ में फोन में LPDDR5 रैम मिल जाती है और अपग्रेडेड UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है। साथ में फोन में लार्ज एरिया VC कूलिंग सिस्टम भी लगी है, जो आप एरिया देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। फोन में एंटीटू स्कोर देखे तो 10 लैक्स के ऊपर मिल जाता है। हाई एंड गेमिंग हाई सेटिंग पे आसानी से खेल सकते हैं। इवन 120 FPS पे खेलने पे भी एवरेज फ्रेम रेट करीब 117 FPS तक मिल जाती है और फ्रेम ड्रॉप इश्यू भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं पबजी गेमिंग में इस मोमेंट पे फ्रेम ड्रॉपिंग इश्यू देखने को नहीं मिलता है और हाई एंड गेम मीडियम सेटिंग पे भी खेलने पे फ्रेम रेट हाईएस्ट मिल जाती है। और फोन में गेमिंग में हाई परफॉर्मेंस मोड भी मिल जाता है, यानी ई स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है जहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस सुपर मिल जाता है। और साथ में फोन में लार्जेस्ट एक्स एक्सिस लीनियर मोटर मिल जाती है, यानी गेमिंग में 4D एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ फोन के UI में कई सारे ट्रांजिशन पे भी वाइब्रेशन इफेक्ट अच्छी मिल जाती है। अब बात करते हैं Redmi K50 गेमिंग एडिशन के कैमरे। फोन में रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी 64 MP का Sony IMX686 सेंसर मिल जाता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है और 2 MP का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। आप यहाँ पे फोटोज के सैंपल्स देख सकते हैं। ओवरऑल कैमरा एबो एवरेज मिल जाता है। Redmi K50 गेमिंग एडिशन की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस इंडियन रुपीज में करीब 39,000 से शुरू होती है और आप यहां पे बाकी के वेरिएंट्स की भी प्राइस देख सकते हैं। कंक्लूजन पे आए तो फोन में बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, साथ में लार्जेस्ट VC कूलिंग सिस्टम लगी है, लार्जेस्ट एक्स एक्सिस मोटर भी मिल जाती है। ऐसी मोटर Xiaomi के फ्लेक्सी फोन Mi 12 Pro में भी नहीं मिलती है। डिस्प्ले भी सुपर मिल जाती है, गेमिंग बटन्स मिल जाते हैं, कैमरा एवरेज कह सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल गेमिंग फोन में कैमरा डिपार्टमेंट से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी चार्जिंग भी फास्ट मिल जाता है और प्राइस भी अच्छी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ROG फोन 5S इंडिया में लॉन्च हुआ है जो पुराने स्पेक्स के साथ आता है, लेकिन उसकी प्राइस भी करीब 50,000 के अराउंड है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं Redmi K50 गेमिंग एडिशन के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।